एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका शर्मा और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 और सब्जेक्ट होगा साइंस, राइट। शुरू करते हैं अपना लेक्चर और हमारा जो चैप्टर 1 है दैट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहली क्वेश्चन ये आता है, हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मोटो क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बात करें फूड की तो सभी जो लिविंग बींग है उनको सबको खाना चाहिए, चाहे वो प्लांट है चाहे वो ह्यूमन बींग है, सबको खाना चाहिए। और बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, मींस वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग की बात करें, दे कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, राइट। फिर क्या खाना क्यों खाया जा रहा है, बेसिकली लिविंग बींग खाना क्यों खा रहे हैं, फॉर द एनर्जी। हम सब जानते हैं जितने भी लिविंग बींग हैं उनके अंदर लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब यहाँ क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है, मीन्स हमारा खाने को पचाया जा रहा है शरीर में, हमारे ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजा जा रहा है, क्यों, ताकि न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, साथ के साथ हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है। तो ये सारे प्रोसेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, फूड खाना पड़ेगा। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड है, हम अपनी बात कर रहे हैं प्लांट्स पे, प्लांट्स तो खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। तो बेसिकली हम सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, तो इस वजह से इस चैप्टर का पर्पस क्या है, हमें लार्ज स्केल पे किसका प्रोडक्शन कराना है, क्रॉप प्रोडक्शन कराना है, ठीक है। और साथ के साथ सेकंड वर्ड लिखा है मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन तो कराना है लेकिन वो पूरा सिस्टम पूरा स्टेप वाइज होना चाहिए और उसको मैनेज किया जाए इजीली। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बेसिकली अगर शुरुआत करें तो कैसे है, जो पुराने टाइम के लोग थे, जो एंशियंट पीपल थे, वो ग्रुप में घूमते थे एक जगह से दूसरे जगह अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, राइट। कच्चा खाना खाते थे, उन्हें नहीं पता था कि भाई इसे पकाया भी जा सकता है। फाइनली दे फाउंड फायर, उन्हें क्या, उन्होंने किस चीज़ की खोज कर ली, फायर की। एंड दे रियलाइज कि जो कच्चा खाना है वो पके हुए खाने से टेस्टी नहीं है, पका हुआ खाना जो है ज़्यादा अच्छा है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि जो फ्रूट बनते हैं बेसिकली जिन्हें हम खाते हैं, ये कैसे बनते हैं, सीड से। और इस तरह से उन्हें अगर पता लग गया कि सीड से बनता है, तो सीड को वो सो कर सकते हैं सॉइल के अंदर और इजीली प्लांट ग्रो करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पानी, वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो जो रिवर का, जो नदी का किनारा है बेसिकली, वहाँ जाकर बस गए, तो वहाँ से मिल गया उन्हें पानी। इस तरह से धीरे धीरे एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है, खेती बाड़ी की शुरुआत हो जाती है, प्लांट्स को कैसे ग्रो कराना है उस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले जो टर्म आती है दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है क्या, एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है, अगेर, अगेर का मतलब होता है फील्ड, और कल्चरा का मीन्स मतलब होता है कल्टिवेशन, मीन्स हम क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर फील्ड पे, कल्टिवेशन करा रहे हैं प्लांट्स का, राइट। मीन्स द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। हम प्लांट्स का, प्लांट क्यों ग्रो करा रहे हैं, ताकि हमें खाने की चीज़ें मिल सके, उनसे फूड मिल सके और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सके। जैसे कि एग्जांपल याद रखो कपास, ठीक है, कपास क्या हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद बात करें तो क्रॉप, नेक्स्ट टर्म इज क्रॉप। क्रॉप क्या है, व्हेन प्लांट्स आर ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। सेम काइंड के प्लांट्स हैं, पर्टिकुलर प्लेस पे ग्रो कराए जा रहे हैं और लार्ज स्केल पे ग्रो कराए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ राइस। अब राइस का जो फील्ड है आप देखते हो, उसमें क्या कोई और भी प्लांट लगाए रखते हैं, नहीं ना, सिर्फ राइस 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 के प्लांट आपको दिखाई देते हैं और लार्ज स्केल पे लगा के रखते हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड पे लगा के रखते हैं, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉप, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। वैसे तो अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, वास्ट कंट्री है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट हियर एंड दे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें और रेनफॉल की बात करें, हर जगह वेरी करते हैं, एक जैसा नहीं है, तो उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे बेसिकली अलग क्रॉप को लगाया जाता है। बट अगर मेनली हम क्लासिफाई करें क्रॉप्स को, देर आर ऑफ टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स किस सीजन में देखने को मिलेंगे, रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन इंडिया में कब कब आता है, किस मंथ में हमें देखने को मिलता है, जून टू सितंबर। हमें याद रखनी है मेन चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप की बात करेंगे जून टू सितंबर,
और एग्जाम्पल में याद कर लेंगे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एक्सेट्रा. ऑल दीज विल कम अंडर खरीफ क्रॉप्स. द नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप्स. किस सीजन में? विंटर सीजन में. कब आता है इंडिया में? अक्टूबर टू मार्च. एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसी, दीज आर रबी क्रॉप्स. तो ये बात हो गई दो मेन क्रॉप्स की, लेकिन एक और क्रॉप्स को हमें याद रखना है, जायद क्रॉप्स पे. वैसे तो हर जगह नहीं होती जायद क्रॉप्स, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में ही ग्रो की जाती है हमारे इंडिया में, राइट? तो हमें याद रखना है जायद क्रॉप्स को भी, जो बेसिकली मार्च टू जून जो मंथ है उनके बीच में इसको ग्रो कराया जाता है. और इसमें जायद क्रॉप्स में जो आ जाएंगी, मस्क मेलन, वाटर मेलन, बिटर गार्ड, पम्पकिन, ये सभी आ जाएंगे इसमें जायद क्रॉप्स में. तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर क्या है, जब हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं फूड के लिए और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए. क्रॉप क्या है, जब हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं पर्टिकुलर प्लेस पे फॉर अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉप. टाइप्स ऑफ क्रॉप मेनली हमें याद रखनी है खरीफ और रबी. एंड खरीफ रेनी सीजन कब? जून टू सेप्टेम्बर, एग्जाम्पल याद रखने. रबी विंटर एंड अक्टूबर टू मार्च. लेकिन थर्ड भी याद रखनी है जायद, जो हमारी कब देखने को मिलेगी हमें, मार्च टू जून. और ये हर एक पार्ट में नहीं है, ग्रोन इन सम पार्ट्स, मस्क मेलन, वाटर मेलन, बिटर गॉड, पम्पकिन एटसेट्रा. नेक्स्ट बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन अगर बात करें तो कौन कौन सी प्रोडक्ट, देखो अगर हम शुरू करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर, हम चाहते हैं हम कोई क्रॉप लगाएं, कहीं प्लांट ग्रो करें, मीन्स क्रॉप का प्रोडक्शन करें, तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कौन कौन से स्टेप हमें माइंड में रखने पड़ेंगे, वो भी देख लेते हैं. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स, इसका मतलब क्या है, टास्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. हम उन सभी स्टेप को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें वो सारी एक्टिविटीज ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो हम क्रॉप प्रोडक्शन कराने जा रहे हैं उस टाइम पे हमें फॉलो करनी है. अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं, सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सिंपल सी बात है, सॉइल पे ही सारा काम होगा, तो सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब ये कैसे तैयार करें, इसके लिए हमारे पास कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसे कर सकते हैं. जैसे कि प्लो है, मीन्स हम टिलिंग और प्लॉइंग करेंगे. टिलिंग और प्लॉइंग का मतलब क्या है कि हम मिट्टी को टर्न करेंगे, लूज करेंगे. अब टर्न और लूज क्यों कर रहे हैं, पहला रीजन कि टर्न और लूज करने का पहला रीजन क्या है कि लूज हो जाएगी मिट्टी, पोरस बन जाएगी, जिसकी वजह से जो उसमें माइक्रोब्स हैं, जो अर्थ वर्म हैं, दे कैन ब्रीद इजीली. सेकेंड रीजन, जो प्लांट की रूट्स है बेसिकली वो डीप तक पहुंचेंगी, राइट? देर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस. ठीक है, मिट्टी पोरस बनेगी तो जो रूट्स हैं बेसिकली वो भी इजीली ब्रीद कर पाएंगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं मिट्टी के अंदर, जो डिकम्पोजर्स बोलते हैं जिन्हें, वो भी इजीली ब्रीद कर पाएंगे. सेकेंड स्टेप आ जाएगा सोइंग ऑफ सीड. अब फाइनली हमारी जो सॉइल तैयार है, रेडी है, अब हम क्या कर सकते हैं, सीड्स को सो कर सकते हैं. उसके बाद हम इरिगेशन करेंगे. सिंपल सी बात है, वाटर ऑल्सो रिक्वायर्ड हेयर, मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर, राइट, टू द क्रॉप्स एट इन टाइम इंटरवल, मीन कुछ टाइम पे. ऐसा तो नहीं लगातार हम पानी प्रोवाइड नहीं करा सकते उसको, कुछ टाइम इंटरवल पे हम इसको वाटर की सप्लाई देंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मीन्स कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी हो जाएंगे हमारी क्रॉप्स के बीच में जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी क्रॉप का स्पेस, लाइट और फूड वो सब कुछ शेयर कर रहे हैं. हम नहीं चाहते हमारी क्रॉप्स का कोई खाना शेयर करे, जो लाइट मिल रही है उसको शेयर करे, स्पेस शेयर करे, तो उसकी वजह से हमें उन्हें निकालना पड़ेगा. ठीक है, उन वीड्स को हटाना पड़ेगा. वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ हो जाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए. ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा बथुआ, जवी, चलाई, ये सब सुना होगा, ये सब क्या है, वीड्स हैं. इन्हें हमें हटाना पड़ता है, तो मैनुअली हटाओ या फिर आप कुछ और तरीके देखो, आप वीडी साइज डालो वो सब. ठीक है, वो भी देख लेंगे हम डीपली में. फाइनली फिर हमारे इंसेक्ट से भी हमने बचा लिया. ठीक है, सारे प्रोसेस कर ली. अब कुछ महीने बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी क्रॉप रेडी है, वो पक चुकी है. अब क्या करेंगे, हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, उसे कट कर लेंगे. ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ से हार्वेस्टिंग कर ली, कट कर ली, अब स्टोर करना ज़रूरी है उसको. अगर आपने उसको स्टोर नहीं किया तो ये पूरे स्टेप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, बेकार है सारे स्टेप.
तो आपको स्टोर करना जरूरी है। आप चाहे उसे जूट उसमें करो, जूट बैग में करो, या सिलोस टैंक में करो, और साथ के साथ आप उसे मॉइस्चर से बचाओ। अब ऐसा हुआ आपने हार्वेस्टिंग तक पहुंच गए और आपने फील्ड में ही छोड़ दिया वो सारा जो आपको ग्रेन्स वगैरह मिला था, उससे रिजल्ट मिला आपका, आपने अपने क्रॉप को वहीं छोड़ दिया काटने के बाद, और बारिश वगैरह आ जाती है, वहाँ मॉइस्चर पहुँच जाएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि जब स्टोरेज करो तो आप उसको मॉइस्चर फ्री करो, कोई इंसेक्ट ना हो वहाँ पे, ठीक है, ऐसा ना हो इंसेक्ट पहुँच जाए उसे सारे को डैमेज कर दें, तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बेसिकली आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग ऑफ सीड कर लेते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखें तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें, कुछ औजार की जरूरत पड़ेगी जो मिट्टी को स्मूथ बनाएंगे, लूज बनाएंगे, टर्न करेंगे, राइट। उसमें आ जाएगा प्लो, हो, कल्टीवेटर, और साथ के साथ एक और आ जाएगा लेवलर। ये एक वुड का या आयरन का एक प्लैंक हो सकता है जिससे मिट्टी लेवल होगी, जो आपकी फील्ड है वो लेवल होगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन सॉइल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में प्लो की। क्या है प्लो, किस तरह से दिखता है प्लो? बेसिकली प्लो एक टूल है जो हम एग्रीकल्चर में यूज करेंगे जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल स्टेप कर रहे होंगे। ये करेगा क्या, ये मिट्टी को लूज करेगा और टर्न करेगा। लूज और टर्न करने से मैंने इसके एडवांटेज बता दिए, उसके पीछे रीजन क्या है लूज और टर्न के, ठीक है, और साथ के साथ अनवांटेड प्लांट्स यानी कि वीड्स को भी रिमूव कर देगा। बात करें ट्रेडिशनल की, जो पुराना था, पुराने टाइप का था, वो कैसा था? वो वुड या आयरन का बना होता था एंड इट इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। बुल्स के शोल्डर पर रख के इसको खींचा जाता था तब ये काम करता था, राइट। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, कुछ फिगर देखें इसका, तो आप इसमें देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है प्लो शेयर, प्लो शाफ्ट, हैंडल। देख लेते हैं, अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, ट्राइंगुलर शेप की एक आयरन स्ट्रिप लगी है जिसको हम बोलते हैं प्लो शेयर, ठीक है। उसके बाद अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड दैट इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट, दिस वन, और हेयर इज अ हैंडल। That was plow. This is a tool used for the agriculture. Next देख लेते हैं, that is hoe. कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बैंड प्लेट लगी है, एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसमें रॉड लगी हुई है, बीम लगी है, इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय बुल्स, राइट। हो लूज इन द सॉइल, मिट्टी को लूज करेगा, रिमूव वीड्स, वही वीड्स को रिमूव करेगा। अ ब्रॉड स्ट्रॉन्ग एंड बेंड आयरन प्लेट लगी हुई है, आयरन की प्लेट लगी हुई है जो ब्रॉड है, चौड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, एंड बेंड प्लेट इज फिक्स टू इट्स वन ऑफ द लॉन्ग वुडन एंड। ये पूरा जो वुड का लॉग लगा हुआ है उस पर एक सेट करी हुई है इस ब्लेड को, एंड इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय बुल्स। नेक्स्ट आ जाता है लेवलर, देख लेते हैं लेवलर, जो बेसिकली आपने देखा भी होगा जनरली, आप अपनी अगर 8th क्लास की बुक उठा के देखते हैं तो उसमें फार्मर जो बेसिकली बुल्स की हेल्प से खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस तरह से जो एक लेवल करता चला जाता है फील्ड को, ठीक है, लेवलर। वुडन और आयरन प्लैंक ड्राइवन बाय एनिमल्स और ट्रैक्टर आल्सो यूज्ड हियर, ठीक है। तो लेवलिंग के लिए ट्रैक्टर के साथ भी, मतलब अगर उस प्लैंक को ट्रैक्टर में जोड़ दें तो वो इजिली फील्ड को लेवल कर देगा। उसके बाद कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब तो ट्रैक्टर आ चुका है, क्यों? ताकि आपका लेबर भी बच जाए और आपके टाइम भी बच जाए। ट्रैक्टर की हेल्प से हम लेवलिंग कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड में मैंने चार वर्ड लिखे हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रेडिशनल टूल, सीड ड्रिल बाय ट्रैक्टर, ट्रांसप्लांटेशन। सोइंग ऑफ सीड, आप सबको पता लग गया कि हमें सीड को सो करना है मिट्टी के अंदर, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो तैयार है। हमें क्या करना है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है, देखो सीड को हम बेसिकली अगर फील्ड में डालें तो मैनुअली भी डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड। जब हम हैंड के थ्रू अपना मैनुअली कर रहे हैं, सीड को डाल रहे हैं खेत में, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। फिर बात करें तो पुराना जो टूल था वो कैसा था, जो सीड ड्रिल करने के लिए, जो सीड डालने के लिए जो पुराना जो टूल था वो कैसा दिखता था? अगर हम उसकी बात करें तो फनल शेप स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसमें, ठीक है, वो कुछ पाइप से जुड़ा हुआ है, और ये पाइप नीचे एक और पोर्शन से जुड़ी हुई है जो बेसिकली बहुत ज्यादा इस तरह से नुकीला है, और मिट्टी के अंदर चला जाएगा ये पोर्शन, और इसमें से बेसिकली हम लोग सीड डाल सकते हैं।
ट्रेडिशनल मेथड में आता है, लेकिन अब तो ट्रैक्टर की हेल्प से सीड ड्रिल मेथड किया जाता है। ठीक है, तो ये सीड यहाँ पहुंचेगी इस पाइप में से जाके यहाँ मिट्टी के अंदर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था, ये प्रॉपर डिस्टेंस के साथ नहीं रखता था। मीन सीड अगर आप क्रॉप लगाने जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, एक सीड यहाँ है तो पर्टिकुलर स्पेस के बाद होनी चाहिए, और साथ के साथ जमीन में एक पर्टिकुलर डेप्थ तक भी तो होनी चाहिए सीड। ये डिसएडवांटेज था, रेंडमली सीड को लगाया जा रहा था, लेकिन हमारे लिए ये बेकार चीज थी। तो हमने काम में लिया क्या, जो ट्रेडिशनल टूल की जगह नया आया सीड ड्रिल बाय ट्रैक्टर। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये था कि सीड को सबसे पहली बात तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाया, ओवर क्राउडिंग भी तो नहीं होनी चाहिए। अगर पता लगा सारी सीड 5-6 सीड यही है तो सिंपल सी बात है किसको खाना मिलेगा, किसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी और कोई भी प्लांट जो है बेसिकली अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो ट्रैक्टर से जब हम कर रहे हैं आज के टाइम में, तो हम देख पा रहे हैं सीड पर्टिकुलर डिस्टेंस से है और पर्टिकुलर डेप्थ में है, सॉइल के अंदर पर्टिकुलर डेप्थ में है। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। और दूसरी बात ये भी एंश्योर करता है ट्रैक्टर के थ्रू वाला कि जो सीड है बेसिकली उसके ऊपर मिट्टी आ चुकी हो, मतलब वो कवर हो चुका हो मिट्टी से, ताकि डैमेज ना हो। किससे डैमेज ना हो, बर्ड भी तो खा सकते हैं सीड को, यस और नो? तो डैमेज से बचाता है। तो इस वजह से आज के टाइम में सीड ड्रिल बाय ट्रैक्टर किया जाता है। एंड लास्ट लिखा है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप बात करो तो सभी सीड को हम एज इट इज नहीं लगा सकते। अगर आप बात करें पैडी की, तो धान आप सबने देखा है ना, तो क्या धान सीधे मेन फील्ड में लगा दिया जाता है या पर्टिकुलर एक छोटे से पार्ट में लगाया जाता है पहले? पहले एक छोटी सी नर्सरी में लगाया था, दैट पोर्शन इज कॉल्ड नर्सरी। नर्सरी में लगाया जाता है काफी अमाउंट में यहाँ। ठीक है, फिर उन्हें हम निकाल के अपने हाथ से फिर मेन फील्ड में इस तरह से एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में लगाते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस एक प्रॉपर ऑर्डर में हम उन्हें लगाते हैं। वही कि उन्हें प्रॉपर अमाउंट में स्पेस मिल पाए, प्रॉपर अमाउंट में फूड मिल पाए, प्रॉपर अमाउंट में लाइट मिल पाए, इस वजह से हम उन्हें नर्सरी से उठाकर मेन फील्ड में ले जाते हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, राइट? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे इससे आगे। मींस हमारे दो स्टेप हो चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड। नेक्स्ट में हम कर लेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हम सब जानते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट भी चाहिए, तो न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में मिलेंगे उसको, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।